दोस्तों नमस्कार, एनुअल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनक्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ के बारे में। दोस्तों आपने एलियंस के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आपने कई तरह की एलियंस पर आधारित मूवीज भी देखी होंगी, चाहे तो हॉलीवुड की स्टार वॉर्स जैसी मूवियाँ हों या तो बॉलीवुड में वहीं बॉलीवुड की कोई मिल गया जैसी मूवी हो। तो दोस्तों इसी पर पर्दा उठाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसा पैनल बुलाया है जिसमें भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक और खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि यूएफओ के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका डेटा अभी तक अमेरिकी नौसेना और रक्षा विभागों द्वारा अलग अलग जगह पे डेटा इकट्ठा किया गया है, उसका कलेक्टिव स्टडी करेंगे जो कि अनक्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस पैनल की खास बात और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पैनल द्वारा निकल के आएंगी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों नासा द्वारा आयोजित अपने तरह के पहला पैनल है जिसकी घोषणा काफ़ी समय पहले की गई थी, लेकिन उसमें हाल ही में सोमवार को एक अध्ययन की शुरुआत की गई है जिसे सरकार अज्ञात हवाई घटना भी कहती है, यानी यूएफओ, जिसे आमतौर पर यूएफओ कहा जाता है, जो कि भौतिकी से लेकर खगोल विज्ञान तक के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पैनल की अध्यक्षता डेविड स्पर्ल गिल करने वाले हैं, जो कि प्रिंस यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकी विज्ञानी के प्रमुख रहे थे। इनके अन्य सदस्य कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिक हैं, जिसमें कैलिफोर्निया की सैटी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, वही कुछ नासा के एक्स साइंटिस्ट भी इस पैनल में शामिल हैं। दोस्तों नासा के अनुसार यह 16 सदस्यीय पैनल बनाया गया है जो कि इस बात की स्टडी करेगा जो भी अज्ञात हवाई घटनाएं अलग अलग वैज्ञानिकों तथा रक्षा अनुसंधान विभागों द्वारा दर्ज किए गए हैं। और साथ ही इस पैनल ने यूएफओ का नाम बदलकर यूएपी कर दिया है, जिसे सैन एविएटर्स द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद हुआ है और यूएस रक्षा और खुफिया अधिकारियों द्वारा भी विश्लेषण किया गया है। दोस्तों इस क्षेत्र में नासा और पेंटागन करीब 1940 के दशक से समानांतर स्टडी कर रहे हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर हुई ऐसी अज्ञात घटनाओं की जानकारी भी उन्होंने इकट्ठा की है। दोस्तों आप यूएफओ को उड़ंत स्तरी के नजरिए से जानते होंगे, वहीं विदेशी अंतरिक्षयान की धारणा से भी यूएफओ जुड़ा हुआ है। दोस्तों नासा ने इस पैनल की घोषणा इसी साल जून में की थी तथा इसी तरह इस साल के पहले पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो कि 2004 के बाद सैन्य पर्यवेक्षणों द्वारा करीब 140 ऐसी अविश्वसनीय घटनाओं का डेटा भी इकट्ठा किया गया था, जो कि इसके पूरे कंक्लूजन के लिए डेटा अपर्याप्त माना जा रहा है। वरिष्ठ रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने 5 महीने पहले से कांग्रेस के सामने एक गवाही भी दी थी तथा इस सारे डेटा को सूचनाबद्ध भी किया गया था, लेकिन कई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से परे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जो कि एक अविश्वसनीय घटना के तहत ही हो सकता है। दोस्तों इस पर पेंटागन ने कुछ समय पहले कई सारे वीडियोज भी यूएपी के जारी किए थे, जो कि ज्ञात विमानन प्रौद्योगिकी से अधिक गति और गतिशीलता का प्रदर्शन भी करते हैं, यानी जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीड होती है इससे वो अननेचुरल लगते हैं, मतलब उनसे तेज बहाव में वो बह सकती हैं, जो कि अभी तक टेक्नोलॉजी जगत में यह पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसी पर नासा ने कहा है कि उनका पैनल आगे बढ़ने वाली एजेंसी द्वारा संभावित यूएपी के डेटा को स्टडी और एनालिसिस करेगा तथा एक रोड मैप भी बनाएगा कि भविष्य में इस पर कैसी स्टडी होनी चाहिए। साथ ही इसकी पहली रिपोर्ट 2022 के मध्य में सार्वजनिक की जा सकती है।
दोस्तों, नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुर्बचेन ने कहा कि हमारे पास मौजूद अज्ञात हवाई घटनाओं को समझना, हमारे आसमान में क्या हो रहा है इसका समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में वैज्ञानिकी निष्कर्ष निकालना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम UFO या UAP जैसी घटनाओं का पता लगा सकें तथा इससे हम एलियंस की खोज में भी कामयाबी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस अहम रिसर्च को लेकर, जिसमें नासा ने एक ऐसा 16 सदस्यीय टीमों का एक पैनल बनाया है जो कि UFO यानी अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करके बताएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब हमें याद दीजिए।